हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है 2x² प्लस में 5x माइनस में 3। आपसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो देख के आइए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो आपको कुछ नहीं करना है। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, यानी स्क्वायर वाला टर्म, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जो भी वेरिएबल दिया हो। उसके बाद सिंगल पावर वाला टर्म होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर नंबर है। तो यानी अब हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर को एक्स स्क्वायर के जो 7 लिखा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा, मानते हो? अच्छा, 6 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? 2 3 6 भी होता है, 2 3 6 होता है, 2 में 3 जोड़ोगे 5 आएगा। 6 1 6 भी होता है, और 6 में 1 माइनस करोगे तो भी 5 आएगा। अब देखो, यहाँ पे बच्चे दोनों तरीके से करेंगे, लेकिन एक तरीके से आपको आंसर मिलेगा और एक तरीके से आप फंस जाओगे। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे 6 - 1 वाला होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो फंसा देंगे, फंसा नहीं देंगे। आप जैसे मान लो यहाँ पे आप 2 और 3 लेके करते, फॉर एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, बस वहाँ पे वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन दिया था, ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन था उसमें, तो उसमें मैंने जो शुरू में सॉल्व किया था वो गलत हो गया, तो उसको काट के सेकंड वाला सॉल्व कर लिया। अगर आप गलत करते रहोगे ना, यानी गलत अगर नंबर का चुनाव कर लोगे, तो ऐट द एंड में आपका कॉमन ही नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आसान है। फिलहाल इसको लिखोगे 2x² प्लस में x, 5 को लिखोगे 6 - 1 माइनस में 3, तो ये हो गया 2x² प्लस में 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, x को -1 से करेंगे तो -6 हो गया, और साथ में -3, 2x की पावर 2 और 6x, तो 2 कॉमन आएगा, साथ ही साथ x की पावर 1 कॉमन आ गया। 2x² में से 2x बाहर निकाला तो x बचेगा, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x प्लस में 3, x प्लस 3 देखो दोनों में है, तो एक बार इसको लिखा, x प्लस 3 हटाया 2x लिखा, x प्लस 3 हटाया -1 लिखा, आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा सर, ओके चलो। अब देखो, ये गलत ही लिखा है, मतलब गलत नहीं लिखा है, पैटर्न गलत लिखा है। पहले मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो -x² पहले लिखोगे, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, और एट द एंड क्या होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए। 10 के आगे कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस में हो गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। 10 को उठा करके आप 1 से माइनस लिखा है, तो 1 कर लो यहाँ पे, -1। 10 को उठा करके -1 पे ध्यान मत दो, 10 को उठा करके 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 1 से 10 हो गया। ठीक है, 3 लाना है, तो देखो बेटा 5 2 से 10 होता है, और 5 में से 2 माइनस करोगे ना तो 3 आएगा। ये हो गया -1x² प्लस में x, 3 की जगह लिख सकते हो 5 - 2 और प्लस में 10, तो हो गया -1x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, x को -2 से करेंगे तो -2x हो जाएगा, और प्लस में 10, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, -x प्लस में 5। ओके, अब देखो, अब यहाँ गलती से आप -2 कॉमन मत ले लेना, वरना गड़बड़ा जाएगा मैटर, +2 कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा -x और प्लस में 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका -x + 5, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x + 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 - x भी लिख सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आगे पीछे करके लिख लो तो भी सही है। क्लियर? अच्छे से, ओके चलिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। अब देखो, आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो सही ढंग से पहली बार तो दिए ही नहीं रहेंगे, सॉल्व करने का तरीका सेम है लेकिन सही ढंग से दिए ही नहीं रहेंगे, तो
तो पहले आप इसको सही ढंग में बनाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, 3 लिखा आपने, माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस एक्स को प्लस 7x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7x की पावर 2। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखोगे, फिर x का टर्म लिखोगे और एट द एंड में नंबर लिखोगे। अब देखो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 21 आएगा मानते हो, 7 3 21 होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा और यहाँ पे आपको 4 ही चाहिए, तो ये होगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 की जगह पे 7 माइनस 3 प्लस में 3 लिख देंगे। ओके, तो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x आ गया, माइनस एक्स को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, हो जाएगा साथ में प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, माइनस 7 कॉमन है, साथ ही साथ x की पावर 1 कॉमन है। माइनस 7x की पावर 2 में से आपने माइनस 7x बाहर निकाल लिया तो x बचेगा, प्लस में 7x था, 7x बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 1, x प्लस 1 दोनों में आ गया। लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 7x प्लस 3 लिखोगे, या तो 3 माइनस 7x लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि अगले स्टेप में तो आपको लिखना ही पड़ता आंसर मैच कराने के लिए जो बुक में लिखा है। माइनस 7x प्लस 3 लिखोगे, फिर उसको आगे पीछे कर दिया, बस फर्क इतना सा है। क्लियर? तो बेटा देखिएगा, मेरे हिसाब से तो ये आंसर 110% करेक्ट है, लेकिन आपके बुक में कुछ और ही आंसर दिया है जो मेरे ख्याल से कभी कभी प्रिंटिंग में भी मिस्टेक हो जाती है, तो वो मैटर है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसके हिसाब से यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन गलत उतारता तो जाहिर सी बात है आगे कुछ कॉमन वगैरह ना लिया जाता, कॉमन वगैरह सेम आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सही उतारा गया है, आंसर में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं। पावर 2 वाला जो टर्म है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो सिंगल पावर है उसको लिखेंगे, फिर आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 60। ठीक है ना, 60 आएगा, समझते हो। 10 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 आएगा, 10 में से 6 माइनस कर देंगे आएगा 4, और यहाँ पर हमको 4 ही चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, हो जाएगा माइनस 12y² माइनस y, 4 की जगह पर लिखेंगे 10 माइनस 6 प्लस में 5, तो हो गया माइनस 12y² फिर माइनस 10y प्लस में 6y प्लस में 5। ओके, दोनों में माइनस साइन कॉमन लेंगे, साथ ही साथ 2 लेंगे और साथ ही साथ y कॉमन लेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, साथ में y आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस 5। 6y प्लस 5 ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 6y प्लस 5। थोड़ा फास्ट तो नहीं करा रहा हूँ, देखो बता देता हूँ फिर से, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन था ना, इस वजह से निकाला है। वाई की पावर 2, वाई की पावर 1, तो वाई की पावर 1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 12 और 10 का HCF 2 होगा तो 2 बाहर निकाल लिया, 12 को 2 से डिवाइड कराया 6 बचेगा, 10 को 2 से डिवाइड कराया 5 बचेगा। वाई यहाँ पे निकाल ही चुके थे, इस वजह से यहाँ वाई नहीं लिखा है, यहाँ वाई की पावर 2 थी, एक वाई निकाला था तो एक वाई बचेगा। ठीक है, अब देखो सेम हो गया, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 6y प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y। क्लियर? अच्छा से, ओके, चलिए फिफ्टीन देखिए। वही चीज़ है, पहले पावर 2 जिसकी है वो लिखोगे, फिर जिसकी सिंगल पावर है वो लिखोगे, फिर जो आपका नंबर था वो लिखोगे। 1 को आप 63 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 63 आएगा। अब बेटा 63 को कुछ ऐसे करना है ना कि 18 आ जाए, तो मेरी बात सुनो, 21 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 63 आएगा, और 21 में से 3 माइनस कर देते हो तो 18 आएगा, और यहाँ पे आपको 18 ही चाहिए। ठीक है, हो जाएगा माइनस 63 जेड की पावर 2 माइनस में जेड, 21 माइनस में 3 और प्लस में 1, तो हो गया माइनस 63 जेड की पावर 2 माइनस जेड को 21 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 21 जेड, और माइनस 3 को माइनस जेड से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 जेड और प्लस में 1। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस साइन कॉमन है, जेड कॉमन है, 21 कॉमन है,
21 से 63 भी जाएगा थ्री टाइम्स में और 21 तो जाएगा ही वन टाइम में, ठीक है। 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, z की पावर 2 था ना, एक पावर बाहर निकाला तो एक पावर अभी भी बचेगी, और माइनस 21 z था पूरा पूरा बाहर निकालिए तो प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि अगले ब्रैकेट में हमको 3z प्लस 1 ही चाहिए और वही चीज़ ऊपर लिखी है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो 3z प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 1 माइनस में 21z, ठीक है। इसमें माइनस लिखा है ना तो माइनस 21z प्लस 1 लिखोगे, फिर अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 21z आगे पीछे करके लिखोगे, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1 माइनस 21z। क्लियर है? अच्छे से, ओके। चलिए ये वाला करते हैं, ये तो लिखा हुआ ऐसे ही है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 1 लिखोगे पहले, कुछ नहीं दिखा तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 88 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 88 ही तो आएगा ना। अच्छा 11 एट ज़ा 88 होता है और 11 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 3, और आपको यहाँ पे कितना चाहिए, 3 ही तो चाहिए मेरे ख्याल से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर लेते हैं। चलिए हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस में ax, 3 की जगह लिखेंगे 11 माइनस 8 और माइनस में 88 ए स्क्वायर, ओके। क्लियर है? अच्छे से, ये हो गया आपका 1x स्क्वायर माइनस ax को 11 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11 ax, और माइनस ax को माइनस 8 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8 ax और माइनस में 88 ए स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 11 a, x दोनों में से बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या कॉमन है, 8 कॉमन होगा क्योंकि 8 वन ज़ा 8 और 8 11 ज़ा 88 होता है, 8 बाहर निकाला और साथ ही साथ a भी कॉमन होगा, देखो यहाँ पे a भी लिखो क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 2 है, तो 8 a बाहर निकाला तो यहाँ पे x बचेगा माइनस में, 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, a की पावर 2 था ना, a की पावर 1 बाहर निकाला तो a की पावर 1 अभी भी बचा रहेगा, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 11 a और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 8 a। क्लियर है? अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 3 माइनस एक्स ब्रैकेट में 4 प्लस 7x, पहले इसको सॉल्व करो, 3 माइनस एक्स को 4 से करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस एक्स को 4 से, फिर माइनस एक्स को प्लस 7x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर का टर्म, उसके बाद x का टर्म, फिर नंबर आपका, सॉल्व कर लो। 3 को 7 से करेंगे 21 आएगा, 3 7 से 21, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा और 7 3 से 21 होता है, 4 की जगह पे 7 माइनस 3 लिख देंगे तो माइनस 7x स्क्वायर, फिर माइनस में x, 4 की जगह पे 7 माइनस 3 लिखेंगे और प्लस में 7, वो सॉरी प्लस में 3 की जगह माइनस 7x स्क्वायर, माइनस एक्स को 7 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7x, माइनस एक्स को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस में 3। अरे बेटा ये क्वेश्चन तो कुछ देर पहले किया था मेरे ख्याल से, आगे पीछे करके वही देखो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। माइनस 7x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, ठीक है, यहाँ बचेगा x प्लस में 1, इन दोनों में प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 1, x प्लस 1 दोनों में सेम है, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 7x, माइनस एक्स प्लस 3 लिखते माइनस 7x प्लस 3, फिर अगले स्टेप में उसको 3 माइनस 7x करना पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है ना? अच्छे से, चलो ये वाला देखो, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो पहले x की पावर 1 कॉमन ले लो, जगह 24 x की पावर 2 प्लस में 37x माइनस में 5, अब सॉल्व कर लो, 5 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा। अब देखो 40 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 40 को 40 को 40 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 120 आएगा, 40 में से 3 माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 37, और यहाँ पे आपको 37 ही चाहिए, ठीक है, सॉल्व कर लो। जो मैं बोलता हूँ ना पेयर बनाता हूँ, यही मेन होता है मिडिल टर्म एक्सपेक्टेशन में, यहाँ तक पहुँच गए, बनाना सीख गए, अब जाहिर सी बात है मेरी तो प्रैक्टिस वजह से मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे एलसीएम के ज़रिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो होगा 24x स्क्वायर प्लस में x, 37 को लिख सकते हो आप 40 माइनस 3 और माइनस में 50, 24x स्क्वायर प्लस में 40 को x से कराएंगे तो हो जाएगा 40x,
एक्स को माइनस थ्री से करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स और माइनस में फाइव, कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ सिक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर, एक मिनट, सिक्स नहीं आएगा बेटा, एट कॉमन आएगा, एट एट, आई एम सॉरी, एट आएगा, क्योंकि एट थ्री से ट्वेंटी फोर होगा और एट फाइव से फोर्टी होगा, तो एट थ्री से ट्वेंटी फोर साथ में एक्स और एट फाइव से फोर्टी, इन दोनों में माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स प्लस फाइव और एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा एट एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये एट लिखा है थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, एट एक्स माइनस वन, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, क्या दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे वन लिखा है, 45 को वन से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 45 ही आएगा मेरे ख्याल से, अच्छा, अब 45 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कितना आ जाए 12 आ जाए, तो जब आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 45 आएगा, 15 में से 3 माइनस कर दोगे तो 12 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 15 माइनस 3 और माइनस में 45, तो हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 15 एक्स वाई, क्योंकि जब आप माइनस एक्स वाई को 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 15 एक्स वाई तो आएगा ना, और माइनस एक्स वाई को माइनस 3 से कराओगे तो हो जाएगा प्लस 3 एक्स वाई और माइनस में 45। तो देखो x की पावर 2 x की पावर 1, तो x की पावर 1, y की पावर 2 y की पावर 1, तो y की पावर 1 कॉमन, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई, यहाँ पे बचेगा माइनस 15, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक्स वाई माइनस 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस में 3, क्लियर है अच्छे से। अब इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद सॉल्व तो हो ही जाएगा, एक्स को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 2, एक्स को माइनस वाई से करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे बेटा, अब देखो ये है, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटेशन ही है, लेकिन देखो अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका जो वो है वो चीज़, कोई भी आपका जो नंबर होता है वो चीज़ नहीं की हुई है, लेकिन यह है, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटेशन कैसे है बेटा, इसको इस ये कैसे है ज़रा इस बात को भी समझो, समझना बेटा, ये भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर वाई स्क्वायर को टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, अच्छा। तो सुन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपने इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है, इसके बाद देखो बहुत और आसान है, हो गया टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन लिखा है ना, तो माइनस एक्स वाई को आपको ब्रेक करके लिखना होगा, आप ब्रेक करके क्या लिखोगे ज़रा देखो, आप इसको लिख सकते हो टू एक्स वाई, वो भी माइनस में और प्लस में एक्स वाई, यानी माइनस एक्स वाई की जगह आप ये चीज़ लिख सकते हो और माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, अब आप कॉमन लोगे आपकी चीज़ें हो जाएंगे। अच्छा, माइनस एक्स वाई था ना, इस वजह से जो टू एक्स वाई रहेगा ना वो माइनस में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस एक्स वाई होता तो आप क्या करते बेटा, आप यहाँ पे फिर उस केस में कैसे ब्रेक करते, आप ब्रेक करते टू एक्स वाई प्लस में रहता और ये वाला एक्स वाई माइनस में रहता, ठीक है ना, वो तो समझ सकते हो साइन का कॉन्सेप्ट है, कॉमन ले लो, टू कॉमन आएगा इन दोनों में और साथ ही साथ एक्स की पावर वन कॉमन आएगी, टू एक्स स्क्वायर में से टू एक्स बाहर निकाला एक्स बचेगा माइनस में, टू एक्स वाई में से टू एक्स बाहर निकाला वाई बचेगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा ज़रा बताओ, वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा माइनस में, यहाँ पर वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई दोनों में आ गया, लिखा आपने, ये क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस में वाई, क्लियर अच्छे से, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।